नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। इसराइल पर अगले 48 घंटे में ईरान सीधा हमला बोल सकता है और यहूदी देश इसके लिए तैयारी भी कर रहा है। शुक्रवार 12 अप्रैल को यह जानकारी अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल में दी गई है। ईरानी नेतृत्व की ओर से एक व्यक्ति की ब्रीफिंग के हवाले से अखबार की रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि सुप्रीम लीडर के सामने स्ट्राइक का प्लान है। ऐसी खबर है कि ईरान एक इमारत पर घातक बमबारी के बाद जवाबी हमले की तैयारी में है, जिसके बारे में इसराइल का दावा है कि वह उसके हितों के खिलाफ खतरों से जुड़ी थी। मिडिल ईस्ट में बड़ी टेंशन के बीच भारत ने ईरान और इसराइल के लिए ट्रेवल एडवाइजरी जारी की है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को भारतीयों से कहा है कि वो अगली सूचना तक इन देशों की यात्रा ना करें। विदेश मंत्रालय ने कहा, ईरान या इसराइल में रहने वाले भारतीय वहां के दूतावासों से फौरन संपर्क करें और अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। सभी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और कम से कम बाहर निकलें। दरअसल भारत ने यह ट्रेवल एडवाइजरी अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के बाद किया है। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में रैली के दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, आज केंद्र सरकार ईडी, सीबीआई, आईटी का राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। चुनाव से 2 महीने पहले कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज कर दिए जाते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। विपक्षी नेताओं को धमकी दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भाजपा के सांसदों ने खुले तौर पर कहा है, अगर पार्टी केंद्र में सत्ता में बरकरार रही तो वे संविधान बदल देंगे। कांग्रेस नेताओं की पार्टी छोड़ने के सिलसिले को देखते हुए छत्तीसगढ़ कांग्रेस अब अहम कदम उठाने जा रही है। पार्टी ने नाराज नेताओं को मनाने के लिए संवाद और संपर्क समिति का गठन किया है। ये समिति प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीटों पर रूठे नेताओं को मनाएगी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता इनके घर पहुंचकर इनसे चर्चा भी करेंगे। इसी बीच प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट भी 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुँच रहे हैं। पायलट भी समिति के सदस्यों से चर्चा कर उनसे फीडबैक ले सकते हैं। जेल से निकलने के बाद संजय सिंह ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने कहा, ऐसी संकट की घड़ी में जब दिल्ली के मुखिया को जेल में डाल दिया गया है, दिल्ली में भी ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे। यूपी में किसी सीट की मांग नहीं है, हम लोकतंत्र को बचाने के लिए साथ दे रहे हैं, साथ देने के लिए कोई कंडीशन नहीं है। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 2 और प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। सपा ने कौशाम्बी और कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र में उम्मीदवार उतारे हैं। सपा ने कौशाम्बी से पुष्पेंद्र सरोज और कुशीनगर से अजय प्रताप सिंह को प्रत्याशी बनाया है। पुष्पेंद्र सरोज बसपा के कद्दावर नेता रहे हैं और पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज के बेटे हैं। अन्य दलों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने कौशाम्बी से विनोद सोनकर को उम्मीदवार बनाया है। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने शुभम नारायण गौतम के नाम की चर्चा की है। राष्ट्रीय राजधानी की तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की मुलाकात के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जेल और दिल्ली और पंजाब पुलिस के अधिकारियों के बीच शुक्रवार को चर्चा हुई। बैठक के बाद जेल अथॉरिटी ने सीएम केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की मुलाकात के लिए 15 अप्रैल की तारीख तय की है। भगवंत मान ने तिहाड़ जेल संख्या 2 में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए तिहाड़ प्रशासन से समय मांगा था। अब उन्हें मुलाकात के लिए समय दे दिया गया है। कथित शराब घोटाले में गिरफ्तारी के बाद तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब सीबीआई की रेडार पर भी हैं। बीआरएस नेता के कविता की रिमांड को लेकर अदालत पहुंची सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी नाम लिया है। उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत होने की बात कही है। सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का भी नाम लिया। उन्होंने कहा, साउथ ग्रुप के एक शराब कारोबारी ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और दिल्ली में अपने कारोबार के लिए मदद मांगी। केजरीवाल ने उन्हें मदद का भरोसा दिया।
हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं, व्हाट्सएप चैट हैं और संबंधित आरोपियों के बयान हैं। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े केस में भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता को राव सेविनी कोर्ट ने 15 अप्रैल तक के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने इस शुक्रवार को दिन में के कविता को 5 दिन की हिरासत में देने के अनुरोध से जुड़ी सीबीआई की याचिका पर आदेश शाम तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार पूर्व सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव पर नई मुसीबत आ गई है। पहले उन्हें महागठबंधन ने टिकट नहीं दिया, अब पूर्णिया प्रशासन ने पप्पू यादव के खिलाफ आचार संहिता का केस दर्ज करा है। उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगाए गए हैं। पूर्णिया जिला प्रशासन और पुलिस टीम ने पप्पू यादव को कार्यालय में गुप्त सूचना के आधार पर गुरुवार की शाम छापेमारी की और डीजे के साथ कई आपत्तिजनक सामग्री जब्त की। इसी मामले में शुक्रवार को FIR दर्ज की गई है। पूर्व सांसद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये जानकारी दी है। पूर्णिया में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि इस समय देश में अघोषित आपातकाल है और सरकार के मामलों में कोई पारदर्शिता नहीं है। फारूक अब्दुल्ला द्वारा उत्तरी कश्मीरी बारामूला लोकसभा सीट के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा के बाद श्रीनगर में पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए उमर ने आरोप लगाया कि इस समय देश में अघोषित आपातकाल लागू है। उन्होंने कहा, वर्तमान में अघोषित आपातकाल है। इंदिरा गांधी के युग के विपरीत उन्होंने साहसपूर्वक आपातकाल की घोषणा की और उसके बाद चुनाव भी करवाए। वर्तमान शासन में ऐसी पारदर्शिता का अभाव है। लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती शुक्रवार को मीडिया पर भड़क गईं। दरअसल 2-3 दिन पहले मीसा ने बयान दिया था कि हमारी सरकार बनी तो पीएम मोदी और बीजेपी के कई नेता जेल में होंगे। पत्रकारों ने इसे लेकर ही उनसे सवाल किया। इस सवाल पर मीसा भड़क गईं और पत्रकारों से कहा, बीजेपी का एजेंडा सेट मत कीजिए, मैंने ये नहीं कहा है, पूरा बयान आप लोग नहीं दिखाते हैं। बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड पर बयान दिया था, मैंने कहा था हमारी सरकार बनी तो इसकी जांच करवाएंगे और सबको जेल भेजेंगे। मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर यह बयान दिया था। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया ने अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली की राव सेवनी कोर्ट का रुख किया है। लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए उन्होंने ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में अदालत से अंतरिम जमानत की मांग की है। मनीष सिसोदिया की याचिका पर कोर्ट ने ईडी और सीबीआई से जवाब मांगा है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 20 अप्रैल की तारीख तय की है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल के कूच बिहार के दिनहाटा में एक चुनावी रैली में उन आरोपों पर पलटवार किया जिनमें उन पर आरोप था कि आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बनाया गया है। ममता बनर्जी ने कहा, वे लोग बंगाल के निवासी नहीं हैं, वे यहाँ छिपे थे, उन्हें 2 घंटे में गिरफ्तार कर लिया गया। अगर बंगाल में शांति है तो भाजपा इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसके साथ उन्होंने भीड़ से पूछा कि क्या उत्तर प्रदेश सुरक्षित है, क्या राजस्थान सुरक्षित है, क्या बिहार सुरक्षित है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने शुक्रवार को रामेश्वरम कैफे विस्फोट मामले में 2 फरार आरोपियों को कोलकाता के पास से गिरफ्तार कर लिया। बता दें, 1 मार्च को बेंगलुरु कैफे में हुए विस्फोट में 9 लोग घायल हो गए थे। इन आरोपियों की पहचान मुसाविर हुसैन शाबिज और अब्दुल्ला मदीन ताहा के रूप में हुई है। मायावती की पार्टी BSP ने लोकसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को 4th सूची जारी कर दी। इसमें 9 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं, जिनमें 2 मुस्लिम उम्मीदवारों के नाम हैं। अब तक पार्टी ने 11 मुसलमानों को उम्मीदवार बनाया है। इन उम्मीदवारों को वहां से उतारा गया है जहां से माना जाता है कि मुस्लिमों की आबादी अच्छी खासी है और जहां इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार मुकाबले में हैं। BSP ने 4th सूची में बसपा प्रमुख मायावती ने घोसी सीट से पूर्व सांसद बालकृष्ण चौहान और भीम राजभर को आजमगढ़ से चुनाव मैदान में उतारा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि ऐसे में मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो सकता है और इंडिया गठबंधन को नुकसान उठाना पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने दावा किया है कि केंद्र सरकार आने वाले दिनों में दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है। उन्होंने कहा, हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। इसके कई संकेत पिछले दिनों दिख चुके हैं।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि चुनाव आयुक्त पक्षपात पूर्ण रवैये के साथ काम कर रहा है और लगातार समय मांगने के बाद भी हमें समय नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग से मेरी शिकायत है कि हमारी बात का उत्तर नहीं देते हैं, मिलते ही नहीं है। ये बात मैंने संसद में भी कही थी और बाहर भी कही है। उन्होंने कहा, मेरे 3 सवाल हैं। क्या VVPAT स्टैंड होल्ड मशीन है? क्या VVPAT की कनेक्टिविटी इंटरनेट से है? VVPAT में कौन सा सॉफ्टवेयर है? इन सवालों का जवाब क्यों नहीं देते हैं? हम साल 2023 से समय मांग रहे हैं, नहीं देते। चुनाव आयोग पूर्ण रूप से पक्षपात तरीके से काम कर रहा है। रजत नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के सामने कुछ कठिन सवाल रखे हैं। उन्होंने दोहराया कि प्रधानमंत्री हमेशा लोगों के मुद्दे पर चर्चा करने से बचते हैं। तेजस्वी यादव ने पूछा कि बिहार के लोग केंद्र और डबल इंजन सरकार से पूछ रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों में आखिरी बार रेलवे की कितनी नौकरियां दी गईं, 10 साल में कितनी सेना में भर्ती हुए, 10 साल में बिहार में कितनी फैक्ट्रियां लगी। तेजस्वी ने कहा कि पीएम मोदी कभी भी मुद्दों पर बात नहीं करते। अपने 10 साल के शासन की उपलब्धियों के गिनाने के बजाय वे हर चीज के लिए विपक्ष को दोषी ठहराते रहते हैं। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में पुजारी के रूप में पुलिस कर्मियों की तैनाती पर विवाद शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंदिर में पुजारियों के रूप में पुलिस कर्मियों की तैनाती पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने पोस्ट में कहा, पुजारियों के वेश में पुलिस कर्मियों का होना किसी पुलिस मैनुअल के हिसाब से सही है क्या? इस तरह का आदेश देने वालों को निलंबित किया जाए। कल को इसका लाभ उठाकर कोई भी ठग भोली भाली जनता को लूटेगा तो उत्तर प्रदेश प्रशासन क्या जवाब देगा? महाराष्ट्र बीजेपी के नेता धैर्यशील मोहिते पाटिल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बीते दिन उन्होंने पुणे में शरद पवार से मुलाकात की थी। उन्होंने चिट्ठी लिखकर पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। मराठी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब भाजपा ने महाराष्ट्र लोकसभा की पहली सूची जारी की थी तो माड़ा सीट से रंजीत नायक को टिकट दिया गया था। चर्चा है कि मोहिते पाटिल इस नामांकन से नाराज हैं। माना जा रहा है कि वे NCP में शामिल हो सकते हैं और उन्हें NCP से टिकट मिल सकता है। भारतीय पर्यटकों के बायकॉट के बाद मालदीव्स पर्यटन की स्थिति खराब हो गई है। मालदीव्स के टूरिज्म और ट्रेवल एसोसिएशन ने अपने देश से पर्यटन में सुधार के लिए भारत से मदद की गुहार लगाई है। इसको लेकर मालदीव एसोसिएशन ऑफ ट्रेवल एजेंट एंड टूर ऑपरेटर ने भारतीय उच्चायुक्त मुनु महावर से मुलाकात की। उच्चायुक्त से मुलाकात के बाद एसोसिएशन ने एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि मालदीव्स में पर्यटन को बढ़ाने के लिए भारत के प्रमुख शहरों में रोड शो आयोजित किए जाएंगे। साथ ही भारत के प्रभावशाली और मीडिया परिचित लोगों को मालदीव की यात्रा कराने का काम चल रहा है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी .com पर।